अगर बात कॉमिक्स की है तो मैं हमेशा ही मार्वल वर्सेस डीसी में डीसी को चुनूंगा, क्योंकि डीसी की स्टोरी लाइन हमेशा ही थोड़ी ज्यादा डार्कर, थोड़ी ब्रूटल, काइंड ऑफ एजी होती है। अगेन मैं बात मूवीज की बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मूवीज में मार्वल की टक्कर का कोई भी नहीं। एंड मुझे कभी भी मार्वल का सबसे डार्केस्ट सुपर हीरो ढूंढना हो तो मैं आंखें बंद करके मून नाइट की तरफ जाऊंगा। एंड मून नाइट की बैटमैन से काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज एंड लगभग एक जैसी ट्रेजेडीज इन्हें काफी ज्यादा सिमिलर बनाती है, एंड इसीलिए मून नाइट को मार्वल्स का बैटमैन भी कहा जाता है। बट ये वीडियो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम बैटमैन एंड मून नाइट के डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी फैमिलीज की। बैटमैन यानी कि अपना ब्रूस वेन एक बिलियनर बाप की औलाद है। ब्रूस का फादर यानी कि थॉमस वेन एक वेल्थी सोशलिस्ट एंड एक फिलैंथ्रोपिस्ट बंदा है, जो अपनी दौलत अपने शहर के लोग यानी कि गोथम के लोगों की जिंदगी सुधारने में लगाता है। एंड एक दिन जब वेन फैमिली ओपेरा का शो देख कर आ रही थी, रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे मिले जिसने ब्रूस के पेरेंट्स यानी कि थॉमस एंड मार्था दोनों को मार दिया। वहीं अपना मून नाइट यानी कि अपना मार्क स्पेक्टर अपने फादर एंड छोटे भाई रैंडल के साथ रहता था, जहां मार्क के फादर अपने बच्चों को नाजियों के अटैक से बचाकर अमेरिका में लाकर एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। बट ट्रेजेडिकली उनकी मौत हो गई एंड अपना मार्क यानी कि मार्क स्पेक्टर अभी भी एक बच्चा ही था, जहां उसकी फैमिली में सिर्फ वो और उसका भाई रह गए थे। बट यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यही है कि मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट का सबसे बड़ा विलन शैडो नाइट है, जो और कोई नहीं उसका छोटा भाई है। एंड कॉमिक्स में इन दोनों की फाइट काफी इंटेंस रह चुकी है। पेरेंट्स की डेथ के बाद ब्रूस वेन ने एक कसम खाई कि वो अपने शहर यानी कि गॉथम से क्राइम का नामो निशान खत्म कर देगा, जिसके लिए वो ऑब्वियसली दुनिया भर में ट्रेनिंग करता रहा, इंटेंस फाइट स्किल्स को सीखा एंड डार्कनेस को अपना हथियार बनाया। वहीं अपना मार्क स्पेक्टर बचपन से ही बॉक्सिंग का काफी बड़ा फैन था एंड अकेले पड़ जाने के बाद अपना मार्क अपने बदले की आग में क्राइम को खत्म कर देना चाहता था। एंड क्योंकि इसका बाप तो कोई बिलियनर था नहीं, इसलिए मार्क ने मरीन आर्मी को ज्वाइन किया, जिसमें उसे काफी मिलिट्री एक्सपर्टीज मिली, जिसके बाद उसने काफी टाइम तक CIA के लिए भी काम किया, जिसके बाद वो एक असैसिन बन गया जो लोगों को मारने की सुपारी लेता था। एंड लोग उसकी मार से ज्यादा उसके मारने के तरीके से डरते हैं, मतलब लिटरली कॉमिक्स में इसने बहुतों को बहुत दर्दनाक मौत दी है। अपना बैटमैन जब क्राइम को रोकने के लिए शहर में निकला, उसकी ट्रेनिंग एंड उसकी स्किल्स ही उसका हथियार थी एंड ऑफ कोर्स उसकी इंटेलिजेंस, जिसने उसे दुनिया का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव ऑफ ऑल टाइम बनाया। मतलब बैटमैन में कुछ भी ऐसा नहीं जो इम्पॉसिबल है, मतलब हर बंदा बैटमैन बन सकता है, बस आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। बट अपने मून नाइट के केस में सीन थोड़ा अलग है, जहां मून नाइट यानी कि अपने मार्क स्पेक्टर को मिलिट्री की काफी ट्रेनिंग मिली हुई है एंड इसके अलावा भी मून नाइट के पास गॉड लेवल की शक्तियां। जी हाँ, इंसान के पास गॉड लेवल की शक्तियां, वो इसलिए क्योंकि मून नाइट को उसकी सारी पावर्स खोंसु नाम के गॉड से मिली, जहां मून नाइट और कुछ भी नहीं बल्कि खोंसु का एक रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पर। मतलब मून नाइट यानी कि अपने मार्क के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता एंड कई अटैक्स तो वो अनकॉन्शियसली भी कर जाता है। चलिए बात करते हैं इन दोनों के अल्टर ईगोस की। इन दोनों के अल्टर ईगोस काफी डिफरेंट है, जहां अपने बैटमैन का अल्टर ईगो ब्रूस वेन है, जहां बैटमैन अपनी सारी रात गॉथम की सुरक्षा करने में बिताता है, वहीं अपना ब्रूस वेन अपना सारा दिन अपने बिजनेस को संभालने में। बैटमैन का लाइफस्टाइल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट इसकी वजह से इसकी स्टोरी लाइन्स काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है एंड आई थिंक हमें वही पसंद है। बट अगेन मैंने बोला, बैटमैन की जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर है, बट ट्रस्ट मी, मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट जितनी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके एक दो नहीं बल्कि मेजरली चार अल्टर ईगोज है, जिसमें एक तो वो खुद जो मार्क स्पेक्टर है, सेकंड मून नाइट जिसके बारे में हम सबको पता है, एंड थर्ड स्टीव ग्रांट एंड फोर्थ जेक लॉकली। जहां स्टीव ग्रांट एक सेल्फ मेड मिलियनर है, वहीं जेक लॉकली एक कैब ड्राइवर है एंड नॉट जस्ट इट बल्कि इसके अलावा भी मून नाइट की बहुत सारी अल्टर ईगोज है जो अपने टाइम टाइम पर बाहर भी आती है। बट जैसा कि मैंने बोला कि बैटमैन एंड ब्रूस वेन का वो बैलेंस, मतलब वो अपनी मर्जी से ब्रूस वेन से बैटमैन बनता है, बट मून नाइट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपनी एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी जाते वक्त उसे खुद भी कुछ नहीं पता होता। मतलब उसे पता ही नहीं होता कि वो रात भर कितनों की धुनाइयां कितनों को मार के आ चुका है। मतलब सोच सकते हो कितना वियर्ड हो सकता है ये सब, कि रात को आप अपने बिस्तर पे हो एंड सुबह पता नहीं कहां। बैटमैन की इंटेलिजेंस के बारे में मुझे नहीं कुछ कहना, यू नो कि वो बंदा ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव ऑफ ऑल टाइम है। वो सिर्फ ऐसी नहीं है, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन्स उसकी कॉमिक्स ऐसी ही है। मतलब इंटेलिजेंस के लेवल में कॉमिक्स बुक्स में बहुत कम लोग होंगे जो बैटमैन के लेवल को मैच कर पाए। मतलब बैटमैन को अगर प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए, वो बंदा सुपरमैन को मार चुका है। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। वैसे इसके अलावा बैटमैन को अकेले रहना पसंद है, मतलब टीम वर्क उसका काफी कम है बट स्टिल है।
बैटमैन न केवल अकेले लड़ता है बल्कि वो जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर भी है। एंड इसके अलावा उसकी बैट आर्मी भी है जिसमें नाइट विंग, रॉबिन, रेड रॉबिन एंड बैट गर्ल जैसे कुछ और सुपर हीरोज भी है। एंड जिसके साथ बैटमैन एंड उसकी आर्मी शेडो को अपना हथियार मानती है। वही अपना मून नाइट भी काफी इंटेलिजेंट है। ऑब्वियसली हर तरह की फाइट स्किल्स को सीखना सबके बस की बात नहीं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि वो बैटमैन से काफी कम इंटेलिजेंस के मामले में, क्योंकि बंदा बैटमैन प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स बनाने के लिए भी काफी मशहूर है। वहीं अपना मून नाइट मतलब बहुत सी पर्सनैलिटीज का एक फायदा तो है इसके पास कि हर तरह की स्किल्स में माहिर है। मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग छोटी मोटी ये भी करता है बट बैटमैन के लेवल का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपना मून नाइट प्लानिंग में नहीं सीधा कांड करने में बिलीव करता है और वो भी अकेले में। एंड इसकी ब्रुटैलिटी का तो मैं क्या ही बताऊं। एंड मून नाइट बैटमैन की तरह कोई शेडो का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो सफेद चमचमाते कपड़े पहनता है ताकि जिसकी वो लेने जा रहा है जान वो उसको देखकर ही छोड़ दे अपने प्राण। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मुझे लगता है कि बैटमैन एंड मून नाइट में सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है मोरालिटी का। क्योंकि जहां अपना बैटमैन क्रिमिनल्स को मारता तो बहुत है बट क्योंकि उसको पता है कि उसके फादर एंड मदर की डेथ एक गनशॉट से हुई थी, इसके लिए बैटमैन नो गन नो किल वाली वैल्यूज को अपनाता है। मतलब अपना बैटमैन बुराई को खत्म करना चाहता है, बुराई को नहीं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बैटमैन ने कभी किसी को नहीं मारा। कॉमिक बुक्स में कई बार ऐसा हुआ है जब बैटमैन को जान लेनी पड़ी है लोगों की, बट वो एक्सेप्शनल है। एंड वहीं अपना मून नाइट किसी को भी मारने में किसी तरह का संकोच नहीं रखता, बल्कि उसके फादर हमेशा उसको समझाते थे कि मार्क वायलेंस की तरफ मत जाना, बट आई थिंक मार्क अपने फादर से कुछ खास सीखा नहीं। एंड मून नाइट कभी भी अगर घर से निकले किसी को मारने के लिए तो वो मारने के लिए निकलता है, समझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो विद द कंक्लूजन आई वुड से मून नाइट इज वे डार्कर देन डार्क नाइट हिमसेल्फ। तो गाइज, ये था एक छोटा सा डिफरेंस वीडियो बैटमैन एंड मून नाइट में। आई नो इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंसेस होंगे, जो आपको पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे भी जानने को मिले। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। हमारे चैनल को एक साल से ज्यादा हो गया एंड स्टिल अभी भी हम 600 के आसपास ही है। तो गाइज, अगर आपको ऐसी वीडियोस, सेलिब्रिटीज एंड मूवीज के फैक्ट्स जानना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हाँ, कुछ मूवीज के रिव्यूज भी। तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस एंजॉय करो। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।